खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की, जहां पर गांव नानपुरा में बैंक ऑफ इंडिया में जहां गांव के ही एक ग्रामीण बुजुर्ग सेवाराम का बैंक में खाता है, जिनकी काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते बुजुर्ग खाता धारक के पुत्र बैंक में जाकर अपने पिता के पैसे देने के लिए कहा, लेकिन बैंक वालों ने बुजुर्ग खाता धारक को बैंक में आने के बाद पैसे देने की बात कही। वही मृतक के परिजनों का आरोप है कि जब वे बीमार वृद्ध को बैंक में लेकर आए पैसे लेने के लिए कहा तो बैंक ने अनसुनी कर दी उनकी बात को। कुछ ही देर के बाद पैसे लेने के लिए आए बुजुर्ग की बैंक वापस लेटते समय मौत हो गई। मैम, आपके बाहर के बैंक के बाहर जो भीड़ लगी हुई है, क्या मैटर है ये? सर, मैटर इसमें ऐसा है कि कल एक आदमी था, उनको पेमेंट चाहिए था। क्या नाम था उनका? सेवाराम। कहाँ के निवासी हैं? रसूलाबाद। जी, बताइए। ठीक है, उनके बेटे पेमेंट लेने आए थे, लेकिन उस आदमी की जो मनोस्थिति थी ना, ऐसी थी कि वो पेमेंट ना साइन कर सकता था, ना अंगूठा लगा सकता था, और ना अपनी मर्जी से इतना भी कह पा रहा था कि हाँ मुझे पेमेंट की आवश्यकता है, आप मुझे पेमेंट दीजिए। वो बिल्कुल ही बेहोश की हालत में था और जबरदस्ती उसे अंगूठा लगवाया जा रहा था। कहाँ? बैंक में लाए थे? बाहर लेकर आए थे। बैंक में अंदर नहीं आए? नहीं। फिर तो सर हमने इस केस में, क्योंकि बंदा खुद से भी नहीं बोल पा रहा था कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि वो स्थिति में नहीं था, वो आधा बेहोश था, बिल्कुल मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी, मतलब कहते हैं होशो आवास में नहीं था बिल्कुल, कि वो इस चीज को अपने ऑनर कर पाता, इसलिए सर हमने पेमेंट मना कर दिया कि सर हम कर नहीं पाएंगे ऐसे पेमेंट, जब तक बंदा खुद से नहीं कहेगा कि उसको पेमेंट चाहिए उसके खाते से। अच्छा, और उसके कुछ देर बाद जो है उस बंदे की मृत्यु हो गई है, अब उन्होंने जो है सबको बैंक के बाहर रखा हुआ है, तो वो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि आपने जो है जानबूझ के पैसा नहीं दिया, उस पैसे से उनका इलाज होता है, आपके उस पैसे की कमी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। देखिए सर, ऐसे कोई बात नहीं, रूल्स जो था, अगर वो बंदा बिल्कुल भी जरा से भी हालत में होता कि वो कह सकता था कि उसको पैसे की आवश्यकता है, और 1200 रुपए बड़ी रकम थी, हम उससे भी ले जाते तो हम ले देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कल भी वो इतने सारे लोग लेकर आए थे, लेकिन जब वो नियम है, हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते, हम उसके ऊपर तब जा सकते थे तो वो थोड़ा सा भी कुछ कहने या करने लगते थे, वो बिल्कुल भी स्थिति में ही नहीं थे। ठीक ना शार। क्या मामला है? ये हमारे गाँव के एससी समाज से सेवक राम थे, जो काफी देर से बीमार चल रहे थे, इनका काफी पैसा बैंक में था। ये कल इनका लड़का आया यहाँ पे, जो पैसे दे दो, हमारा फादर बीमार है। बैंक मैनेजर बोले कि आप लेकर आ जाओ, वो यहाँ लेकर आया गया, ये इतने बीमार थे अंदर। कौन सा बैंक है और कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे नानपुर, ये हापुड़ जिले में रसूलाबाद नानपुर गांव है हमारा, इसी में गांव ग्राम समाज के बीच में है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे जब पैसे लेकर आए, लड़का अंदर चिल्लाता रहा, इसकी लड़के की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, वो भी चिल्लाती रही कि हमारे ससुर की हालत खराब है, प्लीज आ जाओ, बाहर दे दो, पैसा दे दो, लेकिन इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। और यहाँ से कम से कम 2 या 3 घंटे बाद वो एक्सपायर हो गया, तो हमारा बैंक है, हमारा पैसा है, फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में वो स्टाफ रहे जो हमारी हेल्प ना कर सके, जो हमारे पैसे पर तनख्वाह ले रहे हैं वो लोग हमारे लिए, तो फिर हमें क्या फायदा है ऐसे बैंक का? हमारी मांग है, जब तक हम बोटी नहीं ले जाएंगे, जब तक हमें यह आश्वासन ना मिल जाए कि ये बैंक स्टाफ यहाँ नहीं रहेगा। आपकी मुख्य मांग यही है कि बैंक स्टाफ यहाँ पे ना रहे? हमारा मुख्य सब ये चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि ये ना यहाँ रहे, देखने भी नहीं आ रही वो काय की है, वो भी बताओ तुम, जो देखने नहीं आ रही हमारे मरीज को भी, तो क्या है वो,